अरे मूर्ति खड़े करने से कौन सा पैसा आ रहा है, वैसे भी पैसा तो घुसा दिए है। हम तो सारी दुनिया की ट्रेनिंग ले चुके हैं, मतलब दिल्ली में भटक चुके हैं। जो कोरोना से भी बड़े वायरस है वो वहाँ पर बंगाल में अभी संभाल रहे हैं। कोर्ट का दरवाजा तो खटखटा चुके हैं, बट उसके प्रोसेस में भी टाइम लगता है। केस चलते टाइम लगता है, फैसला आने में टाइम लगता है, बहुत सारे तकलीफ होते हैं। तब तक हम लोग क्या करें? हम तो चाहते हैं सरकार से कि हम तो घर में बैठने से अच्छा है कि हमको ड्यूटी में लगा दिया जाए, नक्सली क्षेत्र में भेज दिया जाए, या जहाँ आतंकवादी आ रहे हैं वहाँ भेज दिया जाए हमको, ये सोचते हैं हम तो। तो कहीं ना कहीं सरकार भेज दे, बस भेज दे हमको, मत दे 2 महीना 3 महीना का पेमेंट अगर बजट नहीं है तो, हमको 2 महीने 3 महीने के बाद पेमेंट सिर्फ वर्दी चाहिए, वर्दी चाहिए सिर्फ। जैसे कि अब तो कोरोना काल चल रहा है, कोरोना में कितनी जान जा रही है, कितनी आ रही है। वैसे भी सरकार को ज़रूरत है हमारी, पर वो ऐसा दिखा नहीं रही है। तो सरकार मतलब आपके हिसाब से है ज़रूरत लेकिन नहीं जा रही कि बढ़ती है? हाँ यही तो, अगर सरकार चाहे तो एक पल में हम सब लोगों की ज्वाइनिंग करा सकती है, सिर्फ एक सेकंड। वो तो सरकार के लिए तो मतलब 2 मिनट का सिर्फ हाँ या ना का जवाब चाहिए, पर सरकार इसमें इतना देर लगा रही है। 3,000 की मूर्ति बन जाती है इस देश में, कई 3,000 माफ करिएगा करोड़ लगाना मैं भूल गया, तो 3,000 करोड़ की मूर्ति बन जाती है, ऐसे कई काम हो जाते हैं जो करोड़ों। हमें ऐसे रास्ते पे मरने से अच्छा कि हम ऐसे कुछ काम करके मरे कि जिससे हम तिरंगे में लपट गए, बस यही सोचे, बस ये सोच। हम लोग ये चाहते हैं कि वो लाखों रुपए करोड़ों अरबों रुपए खरबों रुपए खर्च करके वो मूर्ति बनाते हैं, किसी की मूर्ति बनाते हैं, अभी मंदिर बना रहे हैं, मस्जिद बना रहे हैं, सब बना रहे हैं, लेकिन हमको तो सही चीज़ मिल ही नहीं रही है। आम जनता को सही चीज़ क्या चाहिए? शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए और नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए। और ये इस ये चीज़ को भूल करके सरकार ये दुनिया भर की ये चला रही स्कीम, दुनिया भर की स्कीम चला रही है, जो मुद्दा है वो नहीं चला रही है सरकार। हमको चाहिए क्या? हमको रोजगार चाहिए, हम पढ़ लिए लिख लिए, अब रोजगार चाहिए। तो घर होगा भी इसके लिए आपने बोले कोर्ट का दरवाज़ा जो खटखटाया है, उम्मीद है आप लोग? उम्मीद है हमको, हमको पूरा उम्मीद है, क्योंकि जिसका मतलब कोई नहीं कुछ नहीं होता उसका उच्च न्यायालय होता है, ठीक है? तो उच्च न्यायालय हमारे लिए ऑप्शन है, हम उच्च न्यायालय का भी गेट खटखटाएं, दरवाज़ा खटखटाएं, ताकि हमको न्याय मिले। लेकिन लॉकडाउन हो गया ना इसमें, तो लॉकडाउन हो गया है तो ये उच्च न्यायालय को ज़्यादा दिन तक बंद नहीं रख सकते, न्यायालय को ज़्यादा दिन तक बंद नहीं रख सकते, जब तक लॉकडाउन है तब तक है, लेकिन उनके बाद तो खुलेगा, हमारा भी केस चलेगा फिर हमारा। आप लोग का तब तक कहाँ पे रहोगे, क्या सोचा अभी, कुछ प्लानिंग की कुछ? तब तक अभी हमने सोचा है कुछ, अभी देखते हैं रुकने का प्लान, शाम तक हम लोग डिसाइड कर लेंगे, कहीं ना कहीं हो जाएगा व्यवस्था। इतने दिन से रुके हैं इधर उधर करके, तो आगे भी रुक लेंगे, लेकिन उसका कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन हम आंदोलन शुरू किए हैं, तो हम आंदोलन ख़त्म करेंगे, सरकार से ये जवाब मांग के रहेंगे कि हमें ज्वाइनिंग दो यार। गलती क्या है बस, हमारी गलती क्या है? हमने 3 साल आपके एग्ज़ाम के तहत हम लोग ने 3 साल दिया, आपके रणनीति की वजह से हमने 3 साल अपना वेस्ट किया। आपकी अगर रणनीति 1 साल में एग्ज़ाम करवा के कंप्लीट कर देते ना, तो हमको 3 साल भटकना नहीं पड़ता, ये आपकी रणनीति थी। अब हमको आपने मजबूर किया यहाँ तक बैठने के लिए, हम अपने मजबूरी से नहीं आए। अगर चाहते ना सरकार तो वो 1,11,000 वैकेंसी खाली है ना, उसमें भी लोग डबल ड्यूटी कर रहे हैं, जो अभी ड्यूटी कर रहे होंगे 1,11,000 लोग डबल ड्यूटी कर रहे हैं, ये समझ लो उनको ना सोने का है ना वो है ये है वो, तभी तो नक्सली हमला हो जाता है, कभी आतंकवादी हमला हो जाता है, किस लिए होता है? बेचारे लोगों का मैन पावर की कमी है, क्योंकि उनके पास फौज की कमी है, हमारे पास फौज की कमी है और अर्धसैनिक बल की कमी है, मतलब जो आंतरिक मुद्दा संभालते हैं हमारे को उनकी कमी है। अभी उसके बाद भी सरकार नहीं दे रही, उसके बाद भी सरकार इलेक्शन पे ज़्यादा ध्यान दे रही है। यही मोदी ने पहल किया था कि एक देश में अब एक ही बार इलेक्शन होगा, तो ये आगे तक क्यों नहीं जारी रख पाए? मोदी ने तो सोचा था ना, ये अच्छी चीज़ है कि एक बार चुनाव हो जाए, 5 साल के लिए कोई भी राज्य में सरकार बन जाए, लंबा चौड़ा, उसके बाद कोई लफड़ा नहीं, बार बार इलेक्शन में करोड़ों अरबों खरबों रुपया घुसा दे। अगर ये इलेक्शन में घुसा देते पैसा और मूर्ति पे लगा देते पैसा, वही चीज़ को हम गरीबों को रोज़गार देने में लगा दे, तो हम 50,000 अभी बैठे हैं, मतलब समझ लो बाहर हैं, इस फाइनल लिस्ट से बाहर है। अगर हमको नौकरी दे देती तो वो उतना करोड़ खर्चा भी नहीं होता उनका, मतलब हमारे देश का ताकत होता, पहले ताकत भी बढ़ाना चाहिए ना,
अरे मूर्ति खड़े करने से कौन सा पैसा आ रहा है, वैसे भी पैसा तो घुसा दिए हैं और वो पैसा आएगा नहीं। वैसे भी हम ये चाहते हैं कि हम देश की सेवा करें, कम से कम हमें मौका दीजिए, उस मूर्ति को तो छोड़ो जी, हम जिंदा इंसान हैं अभी, जिंदा इंसान की भविष्य के बारे में तो सोचो। अच्छा, पहले भी तो देश में 2014 से पहले की बात करें, जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी चुनाव होता था, सारी चीज़ें होती थी, तब भी कई बीमारियां आई, लेकिन जो नौकरियां थी वो लगातार मिल रही थी, रोज़गार जो था वो हर किसी को मिलता था। अब जो है रोज़गार ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। प्राइवेटाइजेशन इसका सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि अब हर चीज़ को प्राइवेटाइजेशन, जो कांग्रेस के ज़माने में सरकारी था वो आज के टाइम में जो बीजेपी के समय में ये मतलब प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया, सब कुछ बेच दिया, तो फिर अब वो कहाँ से नौकरी। और वो तो छोड़ो, ये तो जो बाहर से भी मतलब बाहर से कारीगर बुला रहे कि अब पटेल जी का मूर्ति बनाया बहुत बड़ा, उसके लिए बाहर से चाइना से था, जबकि हमारे भारत देश को रोजगार मिलना चाहिए था उससे, चाइना से हमारी लड़ाई दिमाग नहीं है कि हमारे देशवासी में दिमाग नहीं, टैलेंटेड लोग हम लोग यहाँ पर बैठे हैं भटक रहे हैं और वो चाइना से बुला रहे हैं हम काम करने के लिए, बताओ। और चाइना से लड़ाई भी है, लड़ाई भी है, उससे कट्टरता है हमारी। अगर हमको, हम तो यही चाहते हैं कि हमको भेज दो ना वासी, दो मुंह की और क्या बोलते हैं लद्दाख, इधर भेज दो हमारे चाइना के बॉर्डर में, हम लोग को, हम तो लद्दाख, तो लद्दाख तो अगर बात की जाएगी, लद्दाख तो आधा जो एरिया था काफ़ी हद तक का चाइना आ भी गई, और मोदी जी ने ये बात कही थी एक इंच नहीं घुसा उसने, पूरा पूरा वहाँ पे एक गांव बना रखा है जी। वो नेशनल मीडिया कवर नहीं कर रही है, सेना मतलब हमारे सेना के साथ रोज क्या हो रहा है वापस बॉर्डर पे, ये नेशनल मीडिया कवर नहीं करेगी और ना दिखाएगी। कितने वहाँ पे जवान जो थे वो शहीद हो गए, बहुत से जवान शहीद भी हो चुके हैं, उसके बाद भी नेशनल मीडिया नहीं दिखा रही है। जिसके घर में गुजरे हैं उनको पता है, ये जिनके घर में जो शहीद हुए हैं, जिनके घर का बच्चा शहीद हुआ है उनको पता है। अच्छा, मैं आखिरी में आपसे ये जानना चाहूँगा, अभी फ़िलहाल जैसे आप लोगों ने सारी मुश्किलें देख ली, अब ये बहुत बड़ी लगातार आप लोगों के सामने एक के बाद एक मुश्किल आती जा रही है, अब ये बहुत बड़ी मुश्किल है, अब मुझे लगता है कि शायद आपने इसको पार कर लिया तो शायद आपकी नौकरी जो है वो मिल जाए, क्योंकि आप लोगों ने सारी तरह। हमारे फौज में सबसे कठिन होता है ट्रेनिंग सबसे कठिन होता है, अगर उसको पार कर लिए तो अब आप जवान बनते हो, वैसे ही हमारे लिए ट्रेनिंग हो रहा है, हम इस ट्रेनिंग को पार करेंगे तब हम जवान बनेंगे। सबसे आखिरी मुश्किल सबसे पार कर लेंगे आप लोग, पूरा जितने कमांडो का ट्रेनिंग होता है ना जो भी करवा ले हम पार करना चाहते हैं, पार कर लेंगे। हाँ, आप क्या कहते हैं? ये पहली बार इतिहास में ऐसी इतिहास जनक बात होंगी कि लोग 9 महीने या 11 महीने की ट्रेनिंग लेते हैं, पर हम उनसे 2 महीने एक्स्ट्रा की ट्रेनिंग ले चुके हैं। हम तो सारी दुनिया की ट्रेनिंग ले चुके हैं, मतलब दिल्ली में भटक चुके हैं। ये स्पेशल ट्रेनिंग है, जैसे कि रास्ते पे भटकना, हर एक मुश्किल का सामना यहाँ किया है हम लोगों ने दिल्ली में। 2 महीने में किस मुश्किल का सामना किया नहीं होगा ये किसी को पता। जैसे कि ट्रेनिंग में तो हर ट्रेनिंग में पैसा भर दो, मेस वगैरह सब, खाना वगैरह सब व्यवस्था वहाँ होती, पर जो ये 2 महीने की ट्रेनिंग हमने की है वो कोई करके बता। अच्छा, वो तो बड़े बड़े सर्वाइवल लोग नहीं कर पाएंगे हमारे जैसा स्ट्रगल जो जंगल में वो दिखाते हैं ना, वो जंगल में मतलब वो सर्वाइवल लोग डिस्कवरी में मैंने देखा, वो घुसते हैं 2-3 दिन बाद वापस निकल जाते हैं। हम लोग यहाँ 2 महीने पे दिल्ली में घुसे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं, हमें न्याय चाहिए करके, लेकिन हम अभी तक यहाँ से वापस नहीं निकले। हम जब तक नहीं मिलेगा हमको हमारा मंजिल, तब तक हम यहाँ से नहीं लौटेंगे। तो मैं मान सकता हूँ कि जिस तरीके से आपने देखा, आप 2 महीने से लगातार इनकी वीडियोज़ जो थी वो देख रहे होंगे, कई जगह पे इन्होंने अपनी जो बातें थी वो रखी देश के सामने, इन्होंने ये भी कहा सरकार से कई बार कि हमें जो नौकरी है वो दे दी जाए, कुछ लोग जो यहाँ पे हैं उनको ही नौकरी मिल जाए। सरकार कई वादे करती रहती है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के नारे करती है, रोज़गार के वादे करती है, बंगाल में 2 लाख रोज़गार की बात की, बिहार में 19 लाख रोज़गार की बात की, 2014 में 2 करोड़ रोज़गार की बात की, तो अगर रोज़गार की ही जोड़ेंगे तो 14 करोड़ वो हो गए, 19 लाख वो हो गए, और 20 लाख उधर हो गए, तो ऐसे कितने लाख रोज़गार जो है अभी सरकार को देना बाकी है। अभी यहाँ पे 55,000 बच्चे जो है वो, उसमें से भी कुछ बच्चे जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको ही अगर सरकार जो है 2 महीने से यहाँ पे है तो अगर उनको रोज़गार दे दे तो शायद कहीं ना कहीं जो लोग हैं उनका विश्वास सरकार पे बना रहेगा। बंगाल चुनाव में फिलहाल मोदी जी व्यस्त है, अमित शाह भी व्यस्त है, कोरोना पूरे देश में फैल रहा है लेकिन बंगाल में नहीं फैल रहा है, यूपी में कोरोना इस बात से अच्छा मजाक हुआ कि कोरोना पूरे देश में मतलब घूम फिर रहा है लेकिन बंगाल में डर रहा है जाने से, क्योंकि वहाँ पर पहले से 2 कोरोना जो कोरोना से भी बड़े वायरस है वो वहाँ पर बंगाल में अभी संभाल रहे हैं, अपना वायरस फैला रहे हैं।
अभी तो पूरे देश में कोरोना है, मतलब बीजेपी पूरा वायरस फैल चुका है, लेकिन उससे बड़ा अभी बंगाल में फैलाने गए, शायद वहाँ के लोग संक्रमित हो जाए तो लॉकडाउन लगा देगा, और नहीं हुआ तो नहीं लगाएगा, सीधी सी बात है लॉकडाउन। तो आपको लगता है कि अब वहाँ नहीं लगाएंगे तो आपको? हाँ, बाकी सबको ही पता है पूरे देश के सामने आज जैसा सच है आप लोगों के सामने कि बंगाल में अभी कोरोना नहीं है। बंगाल में अगर बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर की, उन्होंने मास्क नहीं लगाया, जब चुनाव होता है तो कैमरे के सामने आना ज़रूरी होता है, मास्क लगाना ज़रूरी नहीं होता। यूपी में बात किया जाएगा तो इससे पहले गुजरात में एक बार गरीबी छुपाने के लिए टेंट लगाया गया था, फिर इसके बाद अगर बात करेंगे लखनऊ की तो लखनऊ में अभी जो वहाँ का शमशान घाट है उसको घेरा गया ताकि वहाँ की लाशें जब जल रही है तो लोगों को दिखाई ना दे। तो कितनी बार ढका जाएगा, क्या क्या चीज़ें ढकी जाएंगी, हर एक चीज़ को छुपाने की कोशिश की जा रही है, उससे मुसीबतों से लड़ने की कोशिश नहीं की जा रही। यहाँ पर भी ये लोग लगातार 2 महीने से अपनी मांग को लेके अड़े हुए हैं, अपनी बात रख रहे थे, लेकिन अब लॉकडाउन में ये लोग कहाँ जाएंगे? सोचिएगा आप एक बार, अगर आप दूसरे शहर में हो और आपके सामने चुनौतियों पे चुनौतियाँ आ जा रही हैं लेकिन आप डट के खड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं आपको वो चीज़ मिलनी चाहिए, आपको आपका हक मिलना चाहिए, वैसे इन्हें भी इनका हक मिलना चाहिए। अगर आपको लगता है कि ये अपनी बात को लेके सही है और इनको लॉकडाउन में ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, तो थोड़ी सी मदद आपकी अगर आप कर देंगे इनकी तो शायद इनको इनकी नौकरी मिल जाएगी। कोशिश करिएगा कि ये न्यूज़ जो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, अपने फैमिली में शेयर करें, और अगर आप इनके साथ इनसे जुड़े हुए हैं, इनको स्टूडेंट हैं आप SSC के, तो आप अपने ग्रुप में शेयर करिएगा ताकि ये जो न्यूज़ है, ये जो इनकी बातें हैं, जो इनके परेशानियाँ हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके और नेशनल मुद्दा ये जो है वो बन सके। फिलहाल मैं आपके साथ मोहम्मद अकरम, नमस्कार। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।